और बाजार के एक्शन पर नजरें रहनी चाहिए। 24,382 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, 52 अंक नीचे। मिड कैप भी दबाव में है, 145 पॉइंट, लेकिन निफ्टी बैंक का आज साथ मिलता हुआ दिखाई दिया। अगले डेढ़ घंटे वीरू अनुज मैं आपका साथ देंगे, फिलहाल अनुज आपको फोन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुज क्या लग रहा है, क्योंकि फिर से हम डे लो की तरफ थोड़े से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंसिडरिंग 341 आज डे लो था, इस समय 24,383 के लेवल्स निफ्टी पर, वहीं दूसरी ओर निफ्टी बैंक का साथ बना हुआ है, तो कुछ कॉन्फिडेंस है या फिर थोड़ा सा कॉशियस रहे? देखिए हजदा, एक चीज बहुत क्लियर है, ये मार्केट में एक बुल मार्केट के अंदर एक बेरिश फेज है, जहां पर बड़ा पैसा आपका बेचने पर बन रहा है। और मार्केट ने आज भी देखिए सेलिंग के मौके दिए हैं आपको। हालांकि एक चीज मैं कहूंगा कि बाजार अभी भी डे लो से थोड़ा ऊपर है, जैसे आपने बोला 341 का लो था, अभी हम 385 पर है, तो सुबह के लो से थोड़ा सा ऊपर है। एक अच्छी चीज जो मार्केट में है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट एक इंडेक्स है जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और एक इंडेक्स है जो अभी भी अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी में 100 डेमा, और उसमें HDFC बैंक में जिस तरीके से लगातार बाइंग हो रही है रिजल्ट के बाद से, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एटलीस्ट एक फैक्टर। आज जो मेरी अभी चर्चा हुई थी, जो करके मैं अभी ऑफिस आने के ही रास्ते में हूँ, उससे ये निकल कर आया कि एटलीस्ट एक सेक्टर है जहाँ पर अब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, वो है प्राइवेट बैंक, और उसमें HDFC बैंक लीड कर रहा है, तो ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन हजता, कमजोर नतीजों का थोड़ा सा दबाव है मार्केट पर। पहले हमने बजाज ऑटो का प्रेशर देखा था, आज देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रेशर है। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पर 24,300 से 24,350 एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर ये टूटा, और अगर आज टूटा ये, तो मुझे लग रहा है 24,100 से 24,150 भी हम निफ्टी पर जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में इस समय मोमेंटम कम्प्लीटली बेयर्स के साथ है। और रेजिस्टेंस तो आप भूल ही जाइए, अब 24,450 से 24,500 ही मुझे मुश्किल लग रहा है। बाई चांस अगर आपने 24,500 निकाल लिया तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए शायद 24,600 तक की, लेकिन वो ज्यादातर होप ट्रेड होगी, और होप ट्रेड जैसा मैं बार बार कहता हूँ कोई डेटा पॉइंट है नहीं। बैंक निफ्टी लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को लॉन्ग करना है इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक जगह हो सकती है जहां फिर भी आप चाहें तो लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। यहां पर एटलीस्ट एक दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है 100 डेमा पर, बैंक HDFC बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है उस वजह से। हाँ, बस ये है आज का लो अगर टूटा बैंक निफ्टी में, तो वहां फिर भी मुझे लग रहा है कि फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो लगातार कई दिन से हो रहा है। हालांकि इसके चांसेस अभी के लिए फिलहाल कम लग रहे हैं, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर प्लेस वर्सेस निफ्टी, लेकिन पूरा मूड माहौल जो बिगाड़ा है वो बिगाड़ा है अर्निंग्स ने। पिछली बार भी जो बड़ी डिक्लाइन थी वो एक बड़ी अर्निंग की वजह से आई थी, और इस बार भी मूड माहौल बिगाड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। अनुज, गुड आफ्टरनून। सुबह हम चर्चा कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में, उसके बाद पहला सौदा में एक्चुअल के नंबर्स ख़राब थी, आपने भी बोला था, बट पोजिशनिंग इतनी नेगेटिव थी कि शायद रिएक्शन उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। पर अनुज, जिस प्रकार का फॉल एक्चुअल ने आज दिया है, 6% नीचे, इवन आई थिंक जो स्टॉक अपने 200 डेमा पे खुला या फिर 100 डेमा पे था, बाजार उसको भी बख्शने के मूड में नहीं है, एक्चुअल पे क्या सेंस बन रहा है? बिल्कुल वीरो, देखिए सुबह आई थिंक सुबह हर कोई गलत पड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, क्योंकि सबका यही मानना था कि नंबर खराब है लेकिन प्राइस में है। लेकिन आई थिंक जो लोग एक चीज भूल गए थे, प्राइस में क्या नहीं था, प्राइस में नहीं था वैल्यूएशन डी रेटिंग। आई थिंक जो आज मेरी अभी बात हुई बड़े एक्सपर्ट से, वहां भी यही निकल कर आ रहा है कि ठीक है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिसअपॉइंट किया, प्राइस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, लेकिन वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हुई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी बहुत महंगा स्टॉक है, और अगर कंपनियां इस तरीके से ग्रो करेंगी तो क्या वो 50 टाइम पर ट्रेड करना रिजर्व करती हैं? अगर 50 टाइम पर रिजर्व नहीं करती, अगर 50 का 40-80 हो जाए, तो उसी में प्राइस डैमेज काफी बड़ा हो सकता है। तो ये आज की गिरावट का जो मेन कारण है वीरू, वो अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट इतना नहीं है, अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है ऑब्वियसली, लेकिन एक रिस्क यहाँ से कि अगर ऐसे ही आगे अर्निंग्स आती रही तो इन कंपनियों को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगी जो इन कंपनियों को अब तक मिल रही थी, वो मेरे ख्याल से एक ज्यादा बड़ा फैक्टर है आज की गिरावट में हिंदुस्तान यूनिलीवर। शुक्रिया अनुज, शुक्रिया आप इस पूरी बातचीत के लिए, निफ्टी पे एक सेंस देने के लिए निफ्टी बैंक पे, और साथ ही साथ एक्चुअल जिस तरीके से बाजार ने इसको फिनिश किया आज, तो वैल्यूएशन मैटर्स, और इन नंबर्स पे क्या वैल्यूएशन देना चाहिए, शायद बाजार रीरेट करता हुआ एक्चुअल को आज। अब एक काम करते हैं, आते हैं जरा कुछ एक दो स्टॉक्स पे क्रिटिकल जो है उसको देखते हैं, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए हर्षदा के पास चलेंगे। देखिए आज सुबह मेरी टीम में एक स्टॉक और था, दैट वाज आई थिंक डॉक्टर लाल पैथलैब, आज एक्सेल था व्यू, 150 डेमा ब्रीच होने के बाद क्या सेल ऑफ है यहाँ पे, 203 रुपये नीचे, 6.25% नीचे, और अब ये स्टॉक शायद
थोड़ा सा और कैपिटलाइज करें ऑन द डाउन साइड, क्योंकि सारे लेवल्स टूट चुके हैं, सारे पुट राइटर्स ट्रैप हैं, कॉल राइटर्स हैवीली प्लेस्ड हैं यहाँ पे, और 100 डेमा पे डेटर साहब डॉक्टर लाल फैतला बोल रहा हूँ मैं, 100 डेमा पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी है। उसके बाद आते हैं एक दो स्टॉक्स और लिखे आइए जहाँ पे इस वक्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सिटी यूनियन बैंक लगभग 2% ऊपर और 170.26 का प्राइस यहाँ पर है, 174 एक सप्लाई जोन है, नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे क्योंकि बैंक निफ्टी इटसेल्फ अच्छा कर रहा है। 174 सुबह का भी एक सप्लाई पॉइंट था, वो क्रॉस हुआ तो अच्छा मूव देगा। और एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र करूँगा दैट्स आई थिंक आपकी स्क्रीन पर आएगा अभी अभी, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लेकर ट्रेड करता हुआ, दैट इज श्रीराम फाइनेंस, नज़र रखिएगा। 50 डेमा को रीगेन करने के फिराक में है स्टॉक, 30 to 80, 30 to 90 अगर ये निकलता है ऊपर की तरफ तो स्विंग शायद इसमें शॉर्ट कवरिंग का अच्छा है। हर्षदा ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के श्रीराम फाइनेंस के ऑफकोर्स नंबर्स का भी इंतजार है वीरू, कल आएंगे नतीजे, उस पर आगे बातचीत करेंगे जरूर। लेकिन फटाफट से ट्रेंड आज किन स्टॉक्स में तेजी और मंदी का बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिएगा आज जो थोड़ा सा पुलबैक है वो किन स्टॉक्स ने लीड किया है और कहाँ से ज्यादा दबाव है। तो HUL आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही है और HUL ने पूरे बाकी के FMCG मेजर्स को भी नीचे खींचा, इसमें नेस्ले भी शामिल है। दूसरी तरफ SBI लाइफ में आज करेक्शन देखने को मिला, कल दोपहर को नतीजे हम भाप रहे थे। हिंडालको में इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी का आउटलुक खराब हुआ है तो स्टॉक पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए कितनी दूर की कौड़ी बाजार जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आजकल। एस्कॉर्ट्स कुबोटा स्लम सेल किया है रेलवे बिजनेस का, तो वहाँ पर 6% का नुकसान। डॉक्टर लाल के नंबर्स पर स्टॉक टूटता हुआ। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स बाजार को नहीं पसंद आए हैं और FMCG में डाबर एक और काउंटर है जहां पर दबाव देखने को मिला है। तेजी कहां बन रही है, अल्ट्राटेक एक अच्छा मूव इसमें 2.5% ऊपर। ग्रासिम में भी तेजी का मूव। SBI श्रीराम फाइनेंस वीरू अभी अभी मेंशन कर भी रहे थे, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी है। दूसरी तरफ मिड कैप साइड पर अगर आप ध्यान दें तो सिंजीन कल नंबर्स हम देख रहे थे उसके बाद 5% का मूव। REC नवीन फ्लोरीन के नंबर्स के बाद तेजी। दालमिया भारत परसों खूब टूटा था नतीजों के बाद, आज रिट्रेस होता हुआ। आपने एक चीज गौर की होगी, सीमेंट कंपनियों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है, ये एक पॉकेट है जो थोड़ा सा स्टेप अप करने लगा है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल कॉल के लिए हमारे साथ JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता है, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचिद्रंद उत्तेकर, अमित सेठ, शिल्पा राउत, शिवांगी सारदा और रुचि जैन से होगी बातचीत 2:15। यतिन आपको बताएंगे एस्कॉर्ट्स में जो आज बड़े क्रैक्स आए हैं, बाजार को एग्जैक्टली क्या नहीं पसंद आया है उस रेल इक्विपमेंट सेल डील का। 220 पर इस पर बातचीत होगी फिर, क्योंकि सोना BLW ने खरीदा है और साथ ही साथ कंपनी के MD और ग्रुप CEO विवेक विक्रम सिंह हमारे साथ होंगे नंबर्स पर भी। फिर 2:30 यतिन को दोबारा लेकर आएंगे, श्रीराम फाइनेंस और BL के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, BPHP के नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है ये कंचन आपको बताएंगी। तो दीपाली आपके सामने पेश करेंगी DLF और इंडिगो के साथ क्या आपकी पोजिशनिंग होनी चाहिए नंबर से ठीक पहले। मार्केट बिग वॉइस में आज मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी हमारा साथ देने वाले हैं। यतिन बताएंगे आपको 3:00 के बाद डीलिंग रूम का जायजा, फिर ऑफकोर्स BTS TST BT ट्रेड क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो ये क्रम समझा आपने, चलिए अभी काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश काबा सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है ICICI प्रो। उसका रीजन ये है कि करेक्शन आया बहुत शैलो करेक्शन था और आज एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड कर रहा है 762 पर, स्टॉप होगा 757 करीब 5 रुपए का, अपसाइड टारगेट 780 के नजर आते हैं। यस, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए ICICI प्रो। ओके, ICICI प्रो प्लेसमेंट अच्छी थी इसके और वीक मार्केट में भी एक अच्छा मूव देता हुआ ICICI प्रो। शिवांगी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? बिल्कुल मेरे रडार पे है आज अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। RSI लोअर लेवल से टर्न हुआ है और अपना एक नेगेशन खत्म करते हुए दिख रहा है, नेगेशन लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का नेगेट करते हुए दिख रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बेस पाएंगे जो कि एक स्टॉक को हायर जोन्स की तरफ लेके जाने की पूरी तैयारी करेगी। तो 11,500 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 10,800 के एक स्टॉक के साथ। टेक एक आउट परफॉर्मर है आज, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन जरूर रही है।
सचिन आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्शदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। जिस तरीके से निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है एंड एक रिन्यूड स्ट्रेंथ रिलायंस में आ रही है, मुझे लग रहा है रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेकेंड हाफ में काफी अहम होगा। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर 60 मिनट्स चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा है, एंड पिछले कुछ दिनों से काफी हेल्दी डोजी फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुए, तो मुझे लग रहा है जल्दी इसमें एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। ऑन द हायर साइड टारगेट होगा अराउंड 2740 का, खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2660 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो सचिन जी का यहाँ पे रिलायंस अक्टूबर्स जो है वो करीब 2678 पे ट्रेड है। एक सेकंड डिस्क्लेमर, आपके स्क्रीन पे इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, कोई ट्रेड आप ले रहे हैं कृपया एक निजी राय जरूर रखें। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा ट्रेड रहेगा ऑन द सेल साइड पॉलीकैब। पॉलीकैब मुझे लगता है कि एक वीक स्ट्रक्चर की तरफ और बढ़ते हुए जा रहा है, जहाँ पे 6400 से लेके 6370 के आपको लेवल्स आते हैं मिलेंगे। तो फ्यूचर्स में अराउंड ट्रेड कर रहे हैं 6510, आप 6550 के स्टॉप लॉस से सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 6400 से लेके 6370। अब में एक मौका, लेकिन ये मौका बिकवाली की तरफ ही बन रहा है। आई थिंक मानस का ट्रेड रह गया है। मानस तैयार है? जी बिल्कुल हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए ब्रिटानिया पे बिकवाली करनी है, क्योंकि ब्रिटानिया पे पैटर्न क्लियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। फ्रेश ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो ब्रिटानिया के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस लगाएंगे 5681 का, 5681 के स्टॉप लॉस के ब्रिटानिया के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 5500 5500 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो 5600 का 5600 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 59 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 34 रुपीस का स्टॉप लॉस लगाइए और 110 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए तो ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पे ब्रिटानिया को मैं देख ही रहा था कुछ देर पहले, और FMCG में क्या क्रैक है? जरा डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी FMCG रखिएगा, क्योंकि अगली चर्चा हम इसी पे करेंगे। निफ्टी FMCG इट्स एट 58276, मतलब निफ्टी FMCG या फिर FMCG के करियर का मैं मतलब इस चार्ट को रीड कर रहा हूँ, सबसे बैड फेस एंटायर करियर का। मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट है ना, 2009 से 2006 2002 97 से चार्ट है, सबसे बैड फेस था। और अगर मैं कुछ देर के लिए इस सिंस निफ्टी FMCG जो ये प्राइस है ना, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप सोचिए ये इंडेक्स 25 सितंबर को 66371 एट ऑल टाइम हाई पे, यानी ये डैमेज मात्र एक महीने के अंतराल में हुआ। आशीष चतुर्मुता जी के पास चलते हैं। आशीष जी, हालांकि मैं निफ्टी FMCG की बात करूँ, आपसे आपकी कॉल पर बात करूँ, आपका ये नया रंग पसंद आया, ये जैकेट जो है अच्छी लग रही है, कहाँ से ली है? ये मुंबई की है या किसी पहाड़ के इलाके की है? नहीं, धन्यवाद धन्यवाद वीरू, नहीं तो अभी मैं राजस्थान गया था बीच में, तो मैंने उदयपुर से खरीदा था। यस, हाँ तो बिल्कुल, मैं समझ गया था ये मुंबई की जैकेट नहीं है। खैर, निफ्टी FMCG पर आपका ये व्यू, और एक और चीज, ये आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा? बिल्कुल, तो वीरू मैं जो अभी जैसे हमने पहले भी जो चर्चा की, कल भी चर्चा की, थोड़ा सा शायद रिपीटेटिव हो, बट मेरा ये कहना है कि मार्केट में एक अलग टाइप की वोलेटिलिटी हमें देखने को नजर आ रही है, और ये अभी कहीं ना कहीं रिकवरी आने में थोड़ा सा डिफिकल्टी एक बाजार फेस कर रहा है, और ऐसे समय पर हमें उन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए जो पहले तो पिछले 1.5-2 साल में अंडर परफॉर्म करे और जहां पर पे एक अच्छा वैल्यूएशन का कंफर्ट है। अब अगर से इस दोनों चीज का कॉम्बिनेशन में देखूं तो वो आ रहा है प्राइवेट बैंक्स के अंदर में, जहां पर आप देख रहे हैं ICICI बैंक जो है वो 2.4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, एक्सिस बैंक 1.9 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, HDFC को अगर से आप मर्जर का इफेक्ट हटा दें तो वहां पे भी 2.2 टाइम पे HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है। अब यहां पे चैलेंजेस क्या है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट जो नंबर है वो काफी हाई था, जिसकी वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि शायद हो सकता है लोन ग्रोथ कंपैरेटिवली लो रहे, बट हमें जो लगता है जो पॉजिटिवली इन बैंक्स के साथ काम करेगा, एक जो इन्होंने प्रोविजनिंग की, इनकी इन्होंने बहुत एक्सेस प्रोविजनिंग पहले ही कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो इन बैंक्स की कंपैरेटिवली काफी लो रहेगी। सेकंड,
इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन पे जो अपनी ग्रोथ थी उसको पिछले एक साल में काफी कम किया। इसका मतलब अनसिक्योर्ड लोन की जो रिस्क की एक बात चल रही थी वो प्राइवेट बैंक्स में काफी पहले समझा और वहां पर पे अपना एक्सपोजर कम किया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में खासतौर पे ये तीन बैंक HDFC, एक्सिस और ICICI, इनकी बैलेंस शीट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है और टेक्निकली तीनों स्टॉक मार्केट की गिरावट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्ले होगा ये तीन बैंक्स का कॉम्बिनेशन बनाने का। एज अ डिस्क्लोजर, तीनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, कल हमने ICICI की बात की थी, आज मुझे लगता है अगर से एक स्टॉक लेना होगा तो मैं समझता हूँ HDFC बैंक के साथ जाना चाहिए, जहां पर पे 1700 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है और मैं समझता हूँ 1900 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री HDFC बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो HDFC बैंक में एक मौका बन रहा है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी। आपको याद होगा HDFC बैंक का जिक्र अनुज भी कर रहे थे। कुछ एक दो पॉकेट्स की बात करेंगे। एक तो सास वीरू ने वो FMCG का छेड़ा, उसकी भी बातचीत होगी। वहाँ पर हमने देखा है स्टॉक्स पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए और कुछ सेल साइड के आइडियाज़ भी FMCG साइड पर आए हैं। लेकिन एक और स्टॉक जिसने खासा झटका दिया है आज, वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स ने दरअसल नतीजे कल पेश करेगी कंपनी, आई थिंक उससे पहले स्टॉक के हाल खराब है, 230 अंकों की गिरावट। इन्होंने एक स्लम सेल में अपना रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस बेचा। अब मार्केट को इतना बुरा क्यों लगा है ये सौदा, यतन हमारे साथ ये बताने के लिए। यतन बताइए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये पूरा ट्रांजैक्शन और एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जैसे कि हम जानते हैं ये कंपनी ट्रैक्टर बनाती है और रेलवे डिवीजन जो था ये नॉन कोर था और पुराने बैगेज के साथ आता था। तो इन्होंने अपना जो रेलवे का कारोबार है 1600 करोड़ रुपए में सोना BLW यानी सोना कॉमस्टार्स को बेच दिया है। और बेसिकली कंपनी का कहना ये था कि इस 1600 करोड़ की कैश से अच्छी अदर इनकम आएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये नॉन कोर रेलवे डिवीजन है और इसको बेचने के बाद प्योर एग्री इक्विपमेंट डिवीजन पर फोकस करने का मौका मैनेजमेंट को मिलेगा। अगर हम रेलवे डिवीजन की बात करें तो इनकी एबिट ग्रोथ जो है पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर्स में 33% की CAGR से होती हुई आपको दिखाई पड़ी है। और जो रेलवे ब्रेक्स बिजनेस है वो हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है जिसका फ़ायदा सोना BLW को आता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम डील के वैल्यूएशन की बात करें तो EV EBITDA बेसिस पे केवल 8 के मल्टीपल पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा और पहले ही साल से सोना BLW के हिसाब से EPS एक्रेटिव रहेगा। तो ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा था और पी रेशियो के बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करें जो नुवामा की रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो ये जो रेलवे कारोबार की डील है 11 टाइम्स हुई है, जबकि जो लिस्टेड जो एस्कॉर्ट्स कुबोटा के जो रेलवे बिजनेस है इसी तर्ज पे जो दूसरी रेलवे की कंपनी है वो 30 से 35 के पी पे ट्रेड होती है। तो बाज़ार को सबसे पहला ये झटका लगा है कि ये जो डील हुई है वो सस्ते वैल्यूएशन में हुई है और इतना बड़ा एंट्री बैरियर होने के बावजूद, क्योंकि रेलवे का जो अप्रूवल सिस्टम है और जो ब्रेकिंग सिस्टम में नंबर वन है कंपनी मार्केट शेयर में, तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है इसका प्रीमियम भी मिलना चाहिए था, तो वो ट्रांजैक्शन होता हुआ नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट नुवामा का कहना ये है कि डाइवेस्टमेंट जो रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस का हुआ है वो हाई मार्जिन बिजनेस है और इससे EPS में 5 से 8% की गिरावट आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है FY 26 से FY 27 के पीरियड में। हालांकि जो लार्ज कैश पाइल है और जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके, इससे शायद डिविडेंड पे आउट आगे जाके एस्कॉर्ट्स कुबोटा बेहतर कर सकता है, अपने बिजनेस पे बेहतर फोकस कर सकता है और इसीलिए इन्होंने एक बाय रेटिंग रखी है अभी भी शेयर पे 4650 के टारगेट के साथ। लेकिन डील के वैल्यूएशन थोड़े बाजार को फीके लगते हुए, इसीलिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर 8 से 10% इंट्राडे नीचे था और सोना BLW का शेयर लगभग 10 से 15% ऊपर। जिसके हाथ सस्ता लगा उसके शेयर में तेजी है, जो इस बिजनेस से एग्जिट कर रहा है उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा, वहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली मार्केट कह रहा है कि ज्यादा पैसा इनको मिल सकता बिल्कुल, था बिल्कुल। और इसीलिए इतना एडवर्स रिएक्शन। चलिए, शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। लेकिन अब सोना BLW के मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी इस खबर के चलते ही देखने को मिली है। वो नतीजे आए वो दूसरी बात है, 1600 करोड़ का ये सौदा इनके फेवर में गया है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO विवेक विक्रम सिंह हैं। विवेक, जैसे यतिन भी समझा रहे थे कि देखिए ये एक डील आप लोगों के लिए बेहद फेवरेबल मार्केट मान रहा है, क्या प्लान है अगर ये हमें समझा सके और कब तक ये सौदा पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली एक्साइटेड है इसको लेकर। ये एक्विजिशन हमारे स्ट्रेटजी के कई पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। सबसे पहली चीज, हम कोई भी चीज अगर देखने जाते हैं ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, तो ये होता है कि
लॉन्ग टर्म फ्यूचर है कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट 15-20 साल कम से कम चलेगा कि नहीं। सेकेंड थिंग इज कि जो भी कंपनी खरीदे उसकी मार्केट लीडरशिप पोजिशन है या नहीं, और वो ऐसे मार्केट में हो जो कि काफी बड़ा हो और फास्ट ग्रोथ वाला हो। थर्ड पॉइंट होता है कि उससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है और डीरिस्किंग होती है कि नहीं। फोर्थ कि फाइनेंशियली रिटर्न्स उसके अच्छे हैं, ईपीएस अक्रीटिव है कि नहीं, और फिफ्थ कि समाज के लिए, पृथ्वी के लिए अच्छा है कि नहीं। आपको पता है कि रेलवे सबसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से भी अच्छा है। तो पांचों पैरामीटर्स पे बहुत ही अव्वल एक्विजिशन लगा हमें। हमारा ये 179 करोड़ एबिट है इस कंपनी का, तो आप उस हिसाब से देखें कि तो 1600 करोड़ इज अ वेरी फेयर प्राइस आल्सो। तो काफी वाजिब दाम पे काफी अच्छा एसेट मिला है। ब्रेक्स जैसा क्रिटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं भारतीय रेल के लिए, जिसमें मार्केट लीडरशिप है इंडिया में। हमारे हिसाब से इसमें अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपना क्वालिटी जिसके लिए सोना कॉर्नस्टार जाना जाता है, उसको और ले आएंगे इसमें, तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा की लेगेसी तो बेहतरीन है ही, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी जो वो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया बिजनेस है, इसको क्या हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का बिजनेस बनाएं और अपने रेलवे पार्ट्स पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करें, ये हमारा रैशनल है, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैम, जहां तक रही विवेक जी बात की वैल्यूएशन हमें अच्छे मिले, इसमें कोई दराय नहीं है सर। ये बाजार सलामी दे रहा है आपको जिस प्राइस पे आपने डील क्रैक करी है या फिर जिस प्राइस पे आपको मिल गया है। बहरहाल ये एग्जैक्टली डील जो है और ये जो रेलवे कारोबार है, ये कब तक आपके बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, इसका कुछ सेंस दीजिए। तो दूसरा पार्ट आसान है कि जब भी हम इसको ले अर्निंग क्रिएटिव उसी पहले साल से ही है ये, इसीलिए मैंने बताया कि 179 करोड़ एबिट अगर है तो आप पैट समझ सकती हैं कि ज्यादा इसमें इंटरेस्ट फ्री है, मतलब हम लोग बिना लायबिलिटी के ले रहे हैं। तो 130-135 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो पहले साल से ही बिना ग्रोथ के भी ये ईपीएस अक्रीटिव है। कब क्लोज हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आपको पता है इसकी क्लोजिंग में रेलवे से रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होगा, आरडीएसओ वगैरह से, तो वक्त लग सकता है। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 6-9 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। वैसे तो हमने लॉन्ग स्टॉप डेट सितंबर की लगाई है, सितंबर अगले साल, तो 6-9 मंथ्स रफली लेकर चले। विवेक जी मुझे ये बताइए, अब नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, भारत आपके लिए तीन प्रमुख मार्केट है। लाइट व्हीकल सेल्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन आपके रेवेन्यू में बढ़त आई है, तो किस सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है सबसे पहले, अगर आप ये समझा सकें? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है? बट आप एक चीज अगर देखें कि फाइनेंशियल ईयर 20 और अगर आप हमारा फर्स्ट हाफ को एनुअलाइज कर दें, तो हम इन 5 साल में 3 गुना ग्रोथ है हमारे, हमारी अंडरलाइंग इंडस्ट्री शायद 0% ग्रोथ होगी। खाली इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से ग्रो करने वाले में से हम है नहीं, हम लोग नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है ट्रैक्शन मोटर, जो आज हमारा 7% रेवेन्यू, ये था ही नहीं 2020 में। ईवी डिफरेंशियल असेंबली, ये नाम मात्र के बराबर रेवेन्यू था FY20 में, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू प्रोडक्ट है। तो हमारी ग्रोथ अक्सर होती है कि हमने नए प्रोडक्ट बनाए उनकी रेवेन्यू से, या फिर हमने मार्केट शेयर बढ़ाया अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ग्लोबली। यही पिछले 4-5 साल से ट्रेंड चला आ रहा है। आपने सही फरमाया कि पिछले क्वार्टर में हमारे जो सबसे बड़े तीन मार्केट है उनकी अंडरलाइन ग्रोथ शायद कुछ भी नहीं थी या नेगेटिव थी। तो ईवी एक रीजन है और दूसरा न्यू प्रोडक्ट और मार्केट शेयर। ईवी की ग्रोथ काफी सॉलिड रही है हम लोगों के लिए, 53% फर्स्ट हाफ भी अगर देखें तो YOY बेसिस पे 53% की ग्रोथ रही है। इसकी वजह से हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को भविष्य के साथ अलाइन करके चलें, ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजी रखें जो भविष्य से लड़े ना, क्योंकि भविष्य से लड़ाई में अक्सर लोग हारते ही हैं। ओके, बस चलते चलते लास्ट में एक सवाल और आपसे पूछूंगा, ये नॉर्थ अमेरिका को लेकर, यूरोपियन मार्केट्स को लेकर आपका आउटलुक है, वहाँ पे डिमांड कैसी है? यूरोप थोड़ा सा इस वक्त अभी भी
सेंटीमेंट कमजोर है क्या वहां पे? ज्यादा इशू अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका स्टेबल है। यूरोप में स्लो डाउन है, बट यूरोप में स्लो डाउन पिछले हम 3 महीने से 6 महीने से एक्चुअली बता रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर से हम लोग अपनी कॉमेंट्री में भी बोल रहे हैं। और इंडिया में एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल मार्केट में काफी स्लो डाउन, ये दो मार्केट ज्यादा है। यूएस में एक छोटा सेगमेंट है हमारे लिए, बट ऑफ हाईवे ट्रैक्टर्स वगैरह और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये सब, इसमें थोड़ा स्लो डाउन है। ये 3 ज्यादा बॉदर कर रहे हैं, बट हमारा जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है यूएस पैसेंजर व्हीकल, वो अभी भी ठीक है। बट जैसा मैंने शुरू में किया था कि हमारी ग्रोथ जनरली इंडस्ट्री ग्रोथ से काफी ऊपर ही होती है। शुक्रिया विवेक हमारे लिए समय निकालने के लिए, गुड लक टू यू। स्टॉक को एक थम्स अप मिला है आई थिंक उस डील पर, ज्यादा नंबर्स पर ओके। इस बीच मार्केट पर वापस लौटते हैं, 24,380 के आसपास निफ्टी स्टडी है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ करीब 250 पॉइंट देखते ही देखते नीचे आ गया है। अनुज भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अनुज, जब तक निफ्टी बैंक आई थिंक को देखेंगे आपको लगेगा मार्केट अच्छा है, लेकिन ये मिड कैप की हालत फिर से 1:2 का रेशियो हो चुका। हाँ, एक्स ऑफ बैंक, एक्स ऑफ HDFC बैंक मार्केट खराब है। मतलब आप एक HDFC बैंक को निकाल दीजिए, आई थिंक पिछले एक हफ्ते में एक्स ऑफ HDFC बैंक मार्केट और ज़्यादा गिरा होगा। अब ऑब्वियसली जब मार्केट में HDFC बैंक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था तब भी तो एक हिस्सा था, तो इसके लिए वो एक्स ऑफ HDFC बैंक सिर्फ ऑप्टिकली मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अदरवाइज मार्केट ख़राब है इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुंबई का ट्रैफिक भी काफ़ी ख़राब है वैसे बाय द वे। मैं सोचा था कि 2 बजे तक आ जाऊँगा लेकिन आ नहीं पाया 2 बजे तक है। तो एनीवे, लेकिन खैर पॉइंट ये है कि 24,394, लेकिन सुबह का लो बच रहा है निफ्टी पर। अब वो सिर्फ वीकली एक्सपायरी की वजह से बच रहा है, ऑप्शन राइटर्स उसको बचा के रख रहे हैं, जो मर्जी रीज़न हो, लेकिन आई थिंक अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये वाली मार्केट जो है ना, अब एक बड़ी करेक्शन वाली मार्केट है ये। अब तक तो हमने 7% करेक्शन देखी है, मुझे हैरानी नहीं होगी और यहाँ से 1,000 पॉइंट ओपन हो गए हो, 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ अब हम एक बार बढ़ें। आई थिंक अब इस मार्केट के टेक्सचर का असली टेस्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लोज। अब तक मनी फ्लो डोमेस्टिक मार्केट की तरफ से, डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हर गिरावट में बाइंग आई है। इस महीने भी इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड का मैंने शो किया था, तीनों फंड मैनेजर्स ने तो ये बोला है कि पिछले एक हफ्ते में उल्टा और ज़्यादा पैसा आया है, रिडेम्पशन अब तक नहीं आया है। तो अगर बाई चांस हम एक स्टेज पर पहुँचे जहाँ मार्केट और गिरा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 24,000 के नीचे चला गया, अगर रिडेम्पशन प्रेशर आया, तो वो एक मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बजा सकता है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो एक टेक्सचर का असली टेस्ट होगा वो अब इस पैसे का टेस्ट होगा। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मार्केट अब कुछ टाइम के लिए, आप ऑल टाइम हाई को भूल जाइए, कुछ टाइम के लिए अब ये मार्केट करेक्टिव फेज से जाने के लिए तैयार है। शायद हेल्दी करेक्शन है, जब करेक्शन हो रही होती है तो हेल्दी नहीं लगती है, लेकिन नॉर्मली करेक्शन हेल्दी होती है मार्केट के लिए, कभी भी कोई बुल मार्केट करेक्शन। अनुज, क्योंकि आपने इतने सारे फंड मैनेजर से बात की पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, मुझे ये बताइए कि औसतन एक साल में किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे, क्योंकि ये मार्केट आपको आसानी से 15% प्लस रिटर्न्स दे रहा था, तो क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस निवेशकों को भी ऐसे टोन डाउन कर लेनी चाहिए कि 10% ही बन जाए तो भी काफ़ी होगा? देखिए, फंड मैनेजर कभी एक साल का व्यू नहीं लेगा और ना आपको बताएगा, तो वो पूछेंगे भी तो भी नहीं बताएगा, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं बताएंगे। तो 2 से 3 साल का अगर व्यू लेके चलेंगे तो ये मोटा मोटी निकल कर आया कि 2 से 3 साल का अगर व्यू है आपका तो 12% के करीब आप रिटर्न्स मान के चलिए। अब तक आप पिछले 4 साल में 15% का कैगर देख रहे थे मार्केट में, अब 12% का मान के चलिए। कल सुनील सिंघानिया ने तो हंसी मजाक में ही कह दिया, लेकिन उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैंने तो अपने फंड में से पास्ट परफॉर्मेंस वाला वो हटा ही दिया है, वो अब तक देखने में अच्छा लगता था कि पास्ट परफॉर्मेंस हम इतना रिटर्न जनरेट करें, अब मैंने वो हटा ही दिया है क्योंकि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए खैर, लेकिन जो भी है ये फेजेस आते हैं मार्केट में। अच्छा ऐसा ये क्या है ना, ये फेज़ फ्रैंकली बोलूँ आपके लिए मेरे लिए नया नहीं है। हमने 2003 से 2007 की जो मार्केट थी उसमें कई ऐसे फेजेस देखे थे जिसमें मार्केट तरीके से गिर जाता था, और उसमें लेकिन वो मार्केट लार्जली इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन था, लार्जली FII ड्रिवन था, तो वो इस करेक्शन को आराम से झेल भी लेते थे। इस मार्केट में क्यों 7% की करेक्शन पे लोगों को इतना ज़्यादा झटका लग रहा है? सारा रिटेल का पैसा है और उसने अब तक ये करेक्शन देखी नहीं है। और 7% तो हम सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, स्टॉक स्पेसिफिक तो करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, 30-30, 40-40%। और एक और दिक्कत होती है, लोग फंसे हुए कहाँ हैं पता है?
फंसे हुए हैं लोग उन स्टॉक में जहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है, और ये गिरावट तो मार्केट से पहले ही शुरू हो गई थी। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, सबसे ज़्यादा लोग वोडाफोन आइडिया में ही फंसे हैं। आप जितने लोगों से बात करेंगे ना, सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट अगर किसी एक स्टॉक में है लोगों का, वो है वोडाफोन आइडिया। दूसरा अगर कोई है तो वो है येस बैंक, करेक्ट, ठीक है। तीसरा अगर कोई है तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। तो अब दिक्कत क्या होगी कि बहुत ज़्यादा लोग फंसे हैं इन स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स में अगर आप फंसे हैं तो आप निफ्टी जितना लूज़ किया उतना नहीं लूज़ कर रहे हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी दिक्कत जो है ना, वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई है। दिक्कत है मार्केट में, ऐसा नहीं कि मार्केट में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह थोड़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई है बेसिकली। इसीलिए वो थोड़ा सा जो आशीष भी कह रहे थे ना कि हर रोज़ आओ ऑफिस और फिर नहाओ धो और आपको दिखता है, फिर चीखें निकलती है मार्केट में, तो प्रेशर तो है स्पेशली मिड कैप वाले पोर्टफोलियो के। अच्छा, इस बीच अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही रुचित भी, तो इन दोनों के भी ट्रेड्स ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। रुचित बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं, तेजिया मंदी? वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मंदी का ट्रेड है जुबिलेंट फूड में, बिकवाली की सलाह है। सो लास्ट दो हफ्ते से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में था और अपने 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, बट आज हमने वो सपोर्ट टूटते हुए देखा और आरएसआई में भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। सो आई थिंक यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन के बाद एक बेरिश फ्लैग जैसा पैटर्न स्टॉक में ब्रेकडाउन आया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि करेक्शन और बढ़ सकती है। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स में करंट लेवल्स पे 608 के ऊपर स्टॉप लॉस करके शॉर्ट करने की सलाह रहेगी 570 के टारगेट्स के लिए। Meanwhile, सुबह हमने एक स्विंग पकड़ा था सुबह सुबह अल्ट्राटेक सीमेंट पर। एक बार उसका चार्ट लेकर आइए वापस, मैं और वीरू थे तब शो में, तो स्क्रीन पर तो तेज़ी दिख रही थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट उसको लीड कर रहा था। और अब देखिए ये स्टॉक करीब करीब 2.3% ऊपर शानदार रही, आई थिंक वो स्विंग वहाँ से करीब करीब 150 रुपये का मूव ओवर आया है। इस बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक बार वापस लेकर आइए, और ये स्टॉक अब लोअर लेवल से थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी 6% नीचे, 2% की रिकवरी है यहाँ पर डे लो से। आशीष चतुर्मोहता, अपने फंड में क्या अब इसको आप ट्रिम करेंगे? पहली बात तो है कि आपके फंड में, और क्या इसे ट्रिम करेंगे या ऐड करेंगे? तो अनुज जी, तो FMCG हमारे उसमें थोड़ा हम अंडरवेट है अनुज। FMCG के नाम पे हम थोड़ा सा कंजम्पशन प्ले कर रहे हैं, और कंजम्पशन में जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, HUL हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि इसका एक मूलतः कारण ये था कि वॉल्यूम ग्रोथ पूरे FMCG स्पेस में हमें देखने को नजर नहीं आ रही थी, और जो वैल्यूएशन था वो ऑलमोस्ट 60x 55x फॉरवर्ड पे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहे थे और वॉल्यूम ग्रोथ पूरी तरह से मिसिंग थी। तो जब मार्केट के अंदर में हम देख रहे थे कि ऐसी कंपनियां जिनके अंदर में स्ट्रॉन्ग टॉपलाइन ग्रोथ आ रही है और वहां पे वैल्यूएशन 25-30 टाइम का मल्टीपल पे है, पेग रेशियो के टर्म्स में भी 1-1.2 पे मिल रहा है, तब हमें लगता था कि FMCG थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। VBL भी एक्सपेंसिव है, बट VBL के साथ में ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से अलाइंड है और न्यू ऑप्शनैलिटीज कंपनी ऐड कर रही है, तो इस वजह से वरुण बेवरेजेस को प्रेफरेंस रखा और HUL पे हमारी पोजीशन नहीं है। अब जहां तक के लेना चाहिए, मैं अभी भी थोड़ा सा कॉशियस हूं। मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ जब तक पिक नहीं होती तब तक इस स्पेस को मैं थोड़ा सा कॉशियस के कॉशन के साथ ही समय पे ट्रेड करूंगा। वीरू, एक बार अल्ट्राटेक देखिए, सुबह हमारी बात हो रही थी और अब अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में। बिल्कुल, अल्ट्राटेक करीब 3% ऊपर। हमारी सुबह बात हुई थी अनुज अप्रॉक्सीमेटली 10:46 के आस 9:46 के आसपास, भाव था करीब करीब 10,841, याद अच्छी तरीके से, करीब 11,063 पे आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर सुबह। स्पॉट पूरा सीमेंट स्पेस हुआ था, लेकिन अब अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सीमेंट स्पेस ही थोड़ी सी स्टेबल लग रही है अनुज कुछ मत, ये वो स्पेस है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पार्टिसिपेट नहीं किया था, और स्पेशली ACC मुझे तो पहले से डिप था उसमें। बाजार यहीं पे कुछ थोड़ा सा स्पेस ढूंढ रहा है क्या? आई थिंक बिल्कुल वीरू, आपने बोला ना, मार्केट आई थिंक अब उन स्पेसेस में फिर भी कम्फर्ट ढूंढ रहा है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आई थिंक सीमेंट उसमें से एक हो सकती है। हमने बात भी की थी सीमेंट में, आई थिंक तीन चार महीने पहले हमारी बात हुई थी कि सीमेंट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में इस समय। और क्या चल रहा है, देखिए HDFC बैंक चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो स्टॉक्स अब वो चल रहे हैं जिन्होंने शायद पार्टिसिपेट ना किया हो, जहाँ पर रिस्क कम है कि अगर रिडेम्पशन आएगा तो ज़्यादा सेलिंग हो जाएगी, ये एक फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज कोई खास रीज़न समझ में नहीं आता। नॉर्मली मॉनसून खत्म होने के बाद वाले क्वार्टर में सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रीज़न जोड़ने की बात हो गई। बट हाँ, क्लियरली आज लग रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ ब्रेकआउट इन सीमेंट स्टॉक्स, ये शायद हो सकता है। इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। सचिन, एक बार जरा अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखिए, क्या भी होगा स्टॉक पर। अनुज जी, सुबह भी हमने इसे 10 के दमदार इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कवर किया था,
जो इसका पहला टारगेट था या इमीडिएट स्विंग एक्सपेक्टेड था वो तो यहाँ पर अचीव हो चुका है, बट जो सेकंड टारगेट जोन है मुझे लग रहा है 11,260 के आसपास वेल प्लेस्ड है। अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसको एस्टैब्लिश करनी है जो लगभग अराउंड 10,960 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कंफर्टेबली इस लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। एंड अगर किसी की अभी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से ट्रेल करना है 10,950 पे, एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है ऑन द बुलिश साइड जो रिटेन होने चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। जेम और एग्जैक्टली एक डॉट पॉइंट होता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं से इसका रिवर्सल है। और अगर आप रीड करें जाके नवंबर 2022 ऑलमोस्ट 22 से 23 से 24 दो सालों का प्राइस बता रहा हूँ, हमेशा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता है। अमित से जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून, जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, FMCG में डेफिनेटली हम अच्छी खासी वीकनेस देख रहे हैं और क्रैक्स देख रहे हैं। यहाँ से मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है मैरिको। मैरिको ने आज अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी एक बड़ी बेरिश कैंडल से ब्रेक किया है। नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 200 एमआ के आसपास आता है, तो स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 636 रुपीज का है, इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 643। टारगेट्स रहेंगे 625 और 620 रुपए के मैरिको में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मैरिको में भी सेल कॉल। तो देखिए, ब्रिटानिया सेल कॉल का ट्रेड था, जुबिलेंट फूड सेल कॉल है, HUL नेस्ले शॉर्ट किया, मैरिको पर भी वो गाज गिर रही है, बिकवाली का ही ट्रेड लेकर चले। चलिए अब अर्निंग्स की बात करते हैं, क्योंकि अर्निंग्स ही दरअसल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आजकल इस मार्केट को। निफ्टी की 5 कंपनियाँ भारत इलेक्ट्रिक, कोल इंडिया, JSW स्टील, श्रीराम फाइनेंशियल, BPCL के नतीजे आएंगे। इसके साथ फिर दूसरे फेवरेट्स में DLF और इंटरग्लोब एविएशन के भी नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर 9 कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां, जिनके नंबर्स पर मार्केट कल फोकस करता हुआ दिखाई देगा। तो एक एक करके आपसे आपके लिए पेश करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इन कंपनियों से। एक तो श्रीराम फाइनेंस स्क्रीन पर रखेंगे और साथ ही साथ BEL। यतन हमारे साथ है। यतन, श्रीराम का स्टॉक आज वैसे भी तेजी में है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? और देखिए, आज दोनों ही नई निफ्टी की स्टॉक्स हैं और दोनों ही रिजल्ट्स पे जो है वो नज़रें बनी रहेंगी। सबसे पहले अगर हम श्रीराम फाइनेंस के पोल की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 17% की वृद्धि और प्रॉफिट में लगभग 18% की वृद्धि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट लगभग 2,500 करोड़ रुपये के आसपास रहने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है। और कहीं ना कहीं जो AUM ग्रोथ है वो भी 18 से 20% के आसपास एक्सपेक्टेड है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिल्कुल ही फ्लैट रहेंगे 9% के आसपास, तो ये एक फिगर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मॉनिटर करने के लिए। लोन ग्रोथ सिक्वेंशियली 4% रहेगी, पिछले 2-4 क्वार्टर से हम सिक्वेंशियल ग्रोथ 4 से 6% का तो देख ही रहे हैं। अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट का तो वो 2.25% के आसपास रहने का अनुमान है, जो 2.25% की रेंज में रहा है। तो सिमिलर ट्रेंड जो है सिक्वेंशियल बेसिस पे जो रहते हैं वैसे ही सिक्वेंस पे जो है ट्रेंड रहना चाहिए। हालांकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल, ये दोनों सेगमेंट में फाइनेंसिंग कैसी चल रही है, किस हिसाब से डिमांड ग्राउंड पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जानने के लिए। दूसरा जो पोल है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का BEL, और अगर हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 8% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी, लगभग 875 करोड़ के आसपास का ये फिगर रहेगा। रेवेन्यूज़ में भी लगभग आप 15% का जंप देखेंगे। हालांकि अगर हम EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो एक डिप आपको दिखाई पड़ेगा साल दर साल बेसिस पे। पिछले साल जो 25% के आसपास मार्जिन थे वो घट के लगभग 24% हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर एविटेबल रहेगा यहाँ देखने के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। Q2 के अंत में लगभग 76,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक रहेगी, और अगर हम जनवरी से अब तक की बात करें तो जो कंपनी ने अनाउंस किए ऑर्डर्स वो 7,100 करोड़ रुपए का है। तो जो ट्रेंड है ऑर्डरिंग का वो कैसा रहेगा, आगे आने वाले नए कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि सरकार प्रलय मिसाइल से लेकर QRSAM, MRSAM, बहुत सारे ऐसे मिसाइल सिस्टम जिसका ऑर्डर देने वाली है, तो उस पर क्या उम्मीद है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट्स के अलावा। ओके, बिल्कुल, तो ये दो कंपनियां निफ्टी की, इन पर नज़र रहेगी। इसके अलावा निफ्टी से ही BPCL और दूसरी और मार्केटिंग कंपनी HPCL, इनके भी नंबर्स आएंगे।
इनका प्रीव्यू लेकर कंचन जुड़ी हैं, कंचन से जानते हैं। कंचन बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी? अगर हम वाई एन वाई बेसिस पे देखें तो नंबर में हमें कहीं ना कहीं डिप देखने को मिल सकता है, बिकॉज उस टाइम पे जो बेस था वो काफ़ी हाई साइड पे था, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एच पी सी एल की, जहाँ पे हमें रेवेन्यू में एक डिक्लाइन 12% का एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। एबिटा की बात करी जाए तो 113% बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे मार्जिन हमें 3% दिखाई बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जिसका सीधा सीधा असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि पैट में देखने को मिल सकता है, और ये हमें इस बार देखने को मिल सकता है करीब करीब 450 से 500% ऊपर जो नंबर है वो रजिस्टर हो सकता है 2109 करोड़ का। इसके अलावा अगर हम देखें ऑटो फ्यूल मार्केटिंग के जो मार्जिन हैं वो ऊंचे रह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कच्चे तेल में गिरावट है उसके वजह से मार्जिन में थोड़ा सा डेंट देखने को मिल सकता है। एलपीजी की जो सेल्स है उससे भी लगातार मार्जिन में थोड़ा सा हमें स्लाइड कट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ऑटो के मार्जिन है वो इनको कहीं ना कहीं कंपनसेट करते हुए नजर आएंगे। इस टाइम पे अगर हम रिपोर्टेड जीआरएम की बात करें तो वो $5 प्रति बीबीएल रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। अब हमें कहाँ पे फोकस करना होगा ये एक बार जान लेते हैं। जो अब बॉटम अपग्रेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टाइमलाइन किस तरीके की आती है, जो राजस्थान रिफाइनरी है उसके ऊपर कंपनी किस तरीके का अपडेट देती है, साथ ही साथ कंपनी के डेट लेवल्स और केपेक्स को लेके केपेक्स ग्रोथ को लेके किस तरीके की कॉमेंट्री आती है, ये बात थी HPCL की। ऐसे ही कुछ नतीजे हमें BPCL के भी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे हमें जो रेवेन्यू है वो फ्लैट से लेके नेगेटिव देखने को मिल सकता है, बट ऑपरेटिंग उसमें हमें अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिल रहा है। EBITDA अपसाइड पे है, साथ में मार्जिन ऊपर है, और पैट में भी करीब करीब 50% का इजाफा एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। डोप सारे के सारे सेम है, जो ऑटो फ्यूल मार्केटिंग के मार्जिन है वो अच्छे हैं, और लेकिन एट द सेम टाइम कच्चे तेल में और LPG में हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्जिन कंपनसेट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर्स है वो अच्छे हैं। अब फोकस की बात कर लेते हैं, बीना रिफाइनरी के ऊपर किस तरीके का अपडेट आता है, नए पेट्रोकेमिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन को लेके कंपनी क्या बोलती है, साथ ही साथ कंपनी के डेट लेवल्स क्या है, केपेक्स प्रोग्रेस कैसा है, और इसके अलावा एलपीजी सब्सिडी के ऊपर हमें फोकस रखना होगा। ओके, तो ये इनफैक्ट एचपी और बीपी की एक्सपेक्टेशंस दोनों स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा और देखिएगा कि किस तरह का स्टॉक में रीसेंट पास्ट में रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। एक टेक पर्सपेक्टिव मानस अगर हो सके तो बताइए, क्योंकि बीच में खूब स्टॉक्स में तेजी बन रही थी और अब देखिए एकदम लैकलस्टर बीपीसीएल एचपीसीएल तभी भी थोड़ा सा 1% का मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है आज। देखिए एसपीसीएल बीपीसीएल के अगर हम पैटर्न देखें तो एसपीसीएल में अभी उतनी वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है, या कोई बहुत अहम लेवल एसपीसीएल ने ब्रीच नहीं किया है जिसके बेस पे एक सेल कॉल दिया जाए, बट फिर भी क्योंकि 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है कॉशियस रहना चाहिए, और अगर किसी ने लॉन्ग पोजिशन बनाई है तो 384 के स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन बीपीसीएल के चार्ट क्लियरली वीक लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, 100-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक 305 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना है 331 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो बीपीसीएल में शायद एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है इस समय। इस बीच डीएलएफ भी रेडार पर रहेगा और दीपाली हमारे साथ है। दीपाली, कई सारे तगड़े लॉन्चेस हमने वैसे भी देखे हैं इन रियल्टी कंपनियों से, तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा Q2 की अर्निंग्स में? क्योंकि Q2 में लॉन्चेस नहीं हुए हैं इसीलिए जो परफॉर्मेंस ड्रिवन रहेगी डीएलएफ की इस क्वार्टर में वो मेजरली इन्वेंट्री पर ड्रिवन रहेगी, इसीलिए रेवेन्यूज फ्लैट दिखाई दे रहे हैं लेकिन ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। ऑल्दो गुरुराम हाउसिंग मार्केट काफ़ी फ्लोरिश कर रहा है लेकिन Q2 में कोई नए लॉन्चेस नहीं हुए, इसी का इम्पैक्ट अर्निंग्स पर है। रेवेन्यूज देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, सिर्फ 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वाईवाई बेसिस पे, जो आंकड़ा है वो 1401 करोड़ के आसपास रह सकता है। हालांकि अगर आप पैट देखेंगे तो 18% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 621 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 734 करोड़ रह सकता है, क्योंकि इनकी रेंटल इनकम में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर में 10% की ग्रोथ रही थी, अनुमान है कि उसी तर्ज पर या फिर उससे इंप्रूवमेंट साइड पर ही रेंटल ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा अगर एबिटा देखेंगे तो यहाँ भी 11% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 512 करोड़ का एबिटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। मार्जिन स्टेडी रहेंगे 36.6% पर वर्सेस 34.3%। अब न्यू बुकिंग्स देखेंगे तो वो एक्सपेक्टेड है पिछले साल के मुकाबले डिक्लाइन होंगे, 10% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिल सकता है न्यू बुकिंग्स में। रीजन वही है कि नए लॉन्चेस नहीं हुए हैं और इन्वेंट्री भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, इसीलिए 2000 करोड़ के आसपास की न्यू बुकिंग्स एक्सपेक्टेड हैं Q2 में। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं, हालांकि कंपनी के क्या प्रोजेक्ट पाइपलाइन है आगे की वो इम्पोर्टेंट रहेगी इस बार की अर्निंग्स में, क्या कॉमेंट्री आती है, नेट कैश पोजिशन को लेकर कंपनी के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही साथ रेंटल बिजनेस में किस तरीके की ग्रोथ आगे देखने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे टू वॉच।
ओके बिल्कुल दीपाली, तो डीएलएफ पर भी नज़र रहेगी यहाँ पर। अमित सेठ, डीएलएफ का चार्ट देखिए एक बार, क्या कुछ जो गोदरेज प्रॉपर्टी ने किया वो रिपीट कर सकता है डीएलएफ? जी, डीएलएफ अगर चार्ट देखें तो एग्जैक्टली 200 डेमा पे है। दो तीन दिनों से हम जरूर वीकनेस देख रहे हैं, बट 790-800 इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये स्टॉक 820 के ऊपर निकले तो शायद यहाँ पे रिकवरी फिर से पॉसिबल है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू होल्ड 790-800 लेवल। फिलहाल वीकनेस है, लेकिन अगर 820 के ऊपर निकले तो मुझे लगता है स्टॉक में फिर से एक बार स्ट्रेंथ आ जाएगी। मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए एसआरएफ, चार्ट देख के लग रहा है 30-40 रुपए की शायद अपटिक यहाँ ओपन हुई हो, क्योंकि अब ये डे हाई क्रॉस कर रहा है। जी हाँ, सुबह एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, फिर स्टॉक नीचे आया, लेकिन नॉर्मली जब एफएनओ स्टॉक्स डे हाई निकालते हैं तो सब जितने भी शॉर्ट्स होते हैं उनके स्टॉप्स वहाँ पर प्लेस होते हैं, तो ये एक मूव और आज अच्छा मूव यहाँ पर। देखिए रिलेटिवली एक वीक स्टॉक रहा है, लेकिन आज लोअर लेवल से यहाँ अच्छी रिकवरी है। शिल्पा जी हैं क्या हमारे साथ? शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, एक बार जरा एसआरएफ का चार्ट देखिए, क्या कुछ साइन दिख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग के यहाँ पर? जी बिल्कुल अनुज जी, स्टॉक यहाँ पे 2280 से लेके 2300 तक के लिए मूव ले सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि 23 लेवल्स पे, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत बार हमने देखा है कि रिजेक्शन है, और जो पहले इसका क्रूशियल सपोर्ट हुआ करता था, तो 2300 तक के लिए आप इसमें एक प्ले ले सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं शिल्पा जी, फिर आपके पास ही आते हैं आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा जुबिलेंट फूड में, यहाँ पे वीकनेस है, तो 590 का पुट जो रफली अभी 9.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 14 रुपये का, इसके ऊपर सस्टेन करता है 17 से लेकर 19 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ओके, जुबिलेंट फूड्स की 590 की पुट, एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन यहाँ पर है स्क्रीन पर, वाकई काफ़ी चार डिस्टर्बेंस हो चुके हैं इस स्टॉक के। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी यहाँ पर लुपिन में एक अच्छा यूटर्न आया है। इनफैक्ट कल के सत्र में जिस तरीके से 2100 लेवल ब्रेक किया था इसने, वहीं पे मुझे लग रहा है कहीं पर शॉर्ट्स थोड़े से ट्रैप हो चुके हैं। एक डेली चार्ट पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग अराउंड इसी लेवल के आसपास प्लेस था, एंड वहीं पे एक रिवर्सल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे 2180 के आसपास का स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 2225 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2096 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लूपिन पर क्लियरली ट्रेड आ रहा है। अमित आपका ट्रेड क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? एक लॉन्ग ट्रेड रहेगा ग्रासिम में। ग्रासिम का अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो स्टॉक जब जब एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है, और वहीं से स्टॉक ने रिवर्स किया है। आज के सत्र में हम सेम चीज देख रहे हैं कि एक फ्लैट मार्केट में ये स्टॉक वापस अपने 100 एमा से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे बाय करें फॉर अ शॉर्ट टर्म अपस्विंग अप टू 2720-2750। स्टॉप लॉस रहेगा 2630 रुपए का। मेरी नज़र लुपिन पे ही जा रही थी, मैं देख रहा था और सचिन ने कॉल दे दी उसके ऊपर, लेकिन क्या ये फाइनली एक रिवर्सल आया लुपिन में? सुबह वीक था, लेकिन अब ध्यान रहे 2300 से स्टॉक करेक्ट हो चुका है करीब 2100 तक, और अब थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष आपका मिड कैप फंडा। तो अनुज हमें जो स्टॉक पसंद है वो है वाटेक वाबा। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और इसकी चर्चा भी हमने पिछले काफी समय पे की, और काफी अच्छा परफॉर्म भी स्टॉक ने किया। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अपसाइड अभी भी और देखने को नजर आएगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो कंफर्ट है वो है एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। ऑलमोस्ट 13,700 करोड़ की एक ऑर्डर बुक है। 2700 करोड़ का ऑर्डर अभी सऊदी अरेबिया से पिछले क्वार्टर में हमें कंपनी में आते हुए देखने को मिला, जिसके वजह से बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 4 times का है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर में है, और इनफैक्ट डिसलिनेशन प्लेयर्स की अगर से बात करें तो टॉप 5 डिसलिनेशन प्लेयर्स के अंदर में वाटेक की पोजीशन है। इनफैक्ट इसको 3rd largest प्राइवेट वाटर ऑपरेटर के तौर पे भी वर्ल्ड में देखा जा रहा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक तरीके से टेक्नोलॉजी लेड प्लेयर है, जहां पे 125 प्लस
आईपी राइट्स इनके पास में बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि ईपीसी के अंदर में कंपनी काम कर रही है, बट इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट पे जो इस तरह से फोकस हो रहा है उसकी वजह से एक एसेट लाइट बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं और मार्जिन में जबरदस्त एक एक्सपांशन आ रहा है। तो जो मार्जिन 8-9% की थी आज 13% पे आ गई और अब धीरे धीरे 15% की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 20% के आसपास की आरओसी कंपनी बना रही है। ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, टेक्निकली स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है, 1600 पे एक अच्छा बेस बना है, अगर से ये बेस मेंटेन रहता है तो 2000 रुपए तक की अपसाइड वाटेक वाबाक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड, सारे ट्रेड्स मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ एक बार फिर। शिल्पा ने सस्ता ऑप्शन दिया आज, उसी के साथ शुरुआत हुई। जुबिलेंट फूड शॉर्ट करने की सलाह जो रुचित भी कुछ देर पहले कह रहे थे, लेकिन शिल्पा कह रही 590 का पुट लेकर चलेगा, 14, 17, 19 ये लेवल्स रहेंगे आगे। लूपिन में बाय कॉल, 2180 का टारगेट सचिदानंद दे रहे हैं, आगे 2225 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, 2096 स्टॉप लॉस रहेगा। अमित सेठ को पसंद है सीमेंट स्पेस में से ग्रासिम, 2750 का टारगेट, 2630 स्टॉप लॉस, और वाटेक की बात यहाँ पर आशीष कर रहे थे। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स बनते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का ट्रेड्स हुए, मार्केट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। निफ्टी बैंक अब सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप्स में जो प्रेशर बढ़ा था वो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ जरूर दिखाई दिया है, क्योंकि 245 पॉइंट नीचे था मिड कैप इंडेक्स कुछ देर पहले, अब फिलहाल 190 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों की तेजी को देखकर बाजार में ना उतरे, ये कहना है देश के 3 दिग्गज फंड मैनेजर्स का। सीएनबीसी आवाज के दिवाली स्पेशल शो में एक सुर में कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह, ICICI प्रूडेंशियल एएमसी की ईडी और सीआईओ एस नरेन, और HDFC एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत ने कहा कि आज SIP करने वाले 5 साल से ज्यादा के नजरिए से बाजार में उतरे। तीनों दिग्गजों को प्राइवेट बैंक के वैल्यूएशंस आजकल आकर्षक लग रहे हैं। मार्केट के लिए एक पिछला समर काफी अच्छा रहा, वो रिसेंसी बायस में हम सिर्फ शायद पिछले 15 दिन का मूव देखकर थोड़ा सा डर गए हों, लेकिन क्या इस 15 दिन में जो मूव आया इसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन छुपा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज भाई, CNBC आवाज के सभी परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग तकरीबन 6-7 महीने से कह रहे थे कि सोच समझ के निवेश करिए, जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जहाँ पे वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है वहाँ पे सावधानी बरतिए। अब वो चीज़ें करेक्ट हो रही है, तो मैसेज वही एकदम सिंपल है, क्वालिटी में निवेश करिए, मोमेंटम में नहीं। वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, प्राइस के ऊपर नहीं, एंड लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और इस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी मानिए अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए। ओके, नरेंद्र जी आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाया जाए कम किया जाए, आप तो हाइब्रिड और बैलेंस फंड की काफी वकालत करते हैं, इस समय क्या व्यू रहेगा? सभी दर्शकों का शुभकामनाएं दिवाली के लिए। अभी मार्केट लास्ट 1 ईयर से हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे हैं, उस समय में मार्केट बहुत ऊपर गया और अभी लास्ट 15 दिन में थोड़ा नीचे गया है। अभी भी हम एसेट एलोकेशन ही बात करेंगे क्योंकि मार्केट एक साल में बहुत ऊपर गया है और इंडिया का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, इससे बेटर कंट्री या फिस्कल डेफिसिट या ग्रोथ या इन्फ्लेशन बहुत डेवलप मार्केट से भी अच्छा है। लेकिन क्या हुआ है कि वैल्यूएशन उससे भी बढ़ गया और सेंटिमेंट में क्या हो गया कि कोई भी IPO आया, कोई भी मार्केट आया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, उसके कारण एक करेक्शन अच्छा है एक्चुअली। नरेंद्र जी, इस समय मार्केट में एक कॉन्ट्राबेट कहें या फिर जो मर्जी कहें जो थोड़ा चलने लगी है वो है प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे वहां पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, आपको लग रहा है ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी? हमारा व्यू है कि बैंकिंग प्राइवेट बैंक के अलावा बाकी सभी सेक्टर में वैल्यूएशन एक्स्ट्रा है कम्पेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। प्राइवेट बैंक एक ही सेगमेंट है जहां प्राइस टू बुक देखेंगे या प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे
लास्ट 5 ईयर एवरेज से लोअर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए हमारा पोर्टफोलियो में इसमें भी देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मेरा पोर्टफोलियो में बिकॉज थोड़ा कंट्रेरियन वैल्यू स्टाइल है मेरा, टॉप होल्डिंग प्राइवेट बैंक बन गया अभी और बिगेस्ट वेटेज इन द पोर्टफोलियो भी प्राइवेट बैंकिंग बन गया अभी. पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत वर्षों तक माना जाता था कि इकोनॉमी को प्ले करने के लिए एक प्रॉक्सी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अब ऐसा वैल्यूएशन हो गया है कि वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनमें काफी बढ़ गई है. नरेंद्र जी, प्राइवेट बैंक्स के अलावा कुछ और बाय कर रहे हैं आप इस समय या फिर बस जो है एग्जिस्टिंग उसी को संभाल रहे हैं? उसके अलावा और कोई चीप सेक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल जैसा सेक्टर बहुत दिन से बैड रिजल्ट्स दे रहा है, वो जैसा सेक्टर देखना है या नहीं देख रहे हैं वो अदरवाइज बाकी सेक्टर बहुत कुछ चल गया है, उसमें क्या बेचना है, मोर टाइम्स अभी स्पेंड कर रहे हैं किसको बेचना है. थोड़ा ज्यादा लाली हो गई वहां पर. वो खैर बाय चांस की बात थी, तो एक कॉम्पनसेट करने के लिए नवनीत ने फिर भी ग्रीन पहना हुआ था. लेकिन लग रहा है वो मार्केट का सेंटिमेंट भी दिख रहा है, जो आई थिंक वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो टाइप सिचुएशन हो गई. हाँ, एडवांस डिक्लाइन हो गया बिल्कुल एडवांस. चलिए अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं इस मार्केट पर बात करने के लिए. मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको. थोड़ा मूड खराब हुआ है पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट का, आप कैसे देख रहे हैं इसे? शायद पहला दिवाली होगा कितने सालों में कि कोई अभी पूछ नहीं रहा है कि दिवाली में मुहूर्त परचेस क्या करना चाहिए. लेट्स होप दिवाली तक पीपल कम इन सम सेम्ब्लेंस ऑफ अ मूड कि थोड़ा सा बाय भी करना चाहिए. लेकिन अनुचित देखिए मार्केट पर, सबसे पहले तो आपको भी, आपके परिवार को, सारे CNBC के स्टाफ को, उनके फैमिली को और दर्शकों को, आई थिंक जिन्होंने हम लोग सबको बनाया है, आई थिंक सबको हैप्पी दिवाली एंड बेस्ट विशेस फॉर द फेस्टिव सीजन. अनुजी, बात ऐसा है कि पिछले कई महीनों से आप भी कह रहे होंगे, मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट में कभी भी 10% करेक्शन आ सकता है, और जब भी करेक्शन आता है 10% का तो पोर्टफोलियोज 15-20-25% भी नीचे आ जाते हैं. लेकिन मार्केट हमको रॉन्ग प्रूव कर रहा था. अब पिछले 2 महीने मार्केट को ध्यान से देखिए, पोर्टफोलियोज बढ़ नहीं रहे थे, निफ्टी बढ़ रहा था. उसका मूल कारण था जो बीट एंड डाउन सेक्टर्स से, जैसे FMCG था, फार्मा था, वो बढ़ने लगे और बाकी के सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स करेक्ट करने लगे जहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसे बनाया था, जैसे रेलवेज था, डिफेंस था, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था, ये सारे स्टॉक्स नीचे आया, पब्लिक ने बेची नहीं थी, तो दे लॉस्ट मनी ओवर देयर. और अपॉर्चुनिटी जो था FMCG फार्मा में, थोड़ा सा IT में, पीपल नेवर बॉट इनटू इट. तो ये कारण से पोर्टफोलियो स्टार्टेड पॉसिबली हैविंग सम ट्रबल इन मेंटेनिंग देयर NAVs. Now that happened in the last 2 months. और ये महीने में जो हुआ है, I think has come as a very, very, very big blow. मूल कारण is the expectations. इससे ज्यादा बड़ा शब्द यूज करूंगा, optimism. ये आएगा, ये ऑर्डर मिला है, इतना सेल बढ़ेगा, इतना प्रॉफिट बढ़ेगा. तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जिसके कारण काफी फ्रॉथ बिल्ट हो गया था valuations of many individual stocks, ये मूल कारण है आज मार्केट का. I don't think problem is at the company's level. Problem is in the expectations level or jo numbers ultimately deliver hue hain. Isolation business pe you won't find too much of faults. Wo TCS ho, Infosys ho, Reliance ho, Hindustan Lever ho, jo bhi ho, I think they have fallen much short of expectations and stocks have come down. Heavyweights are also taking a beating because FIs are selling. FIs are selling because of maybe, I'm not saying maybe, 100% because of China factor. चाइना का इंडेक्स का हाई कभी हुआ था 2007 में. 17 साल के बाद इंडेक्स इज स्टिल अराउंड 25-30% लोअर देन इट्स पीक आफ्टर 17 इयर्स. चाइना इज फ्रेंडलेस. FIs वर मोर ऑर लेस नॉट इन्वेस्टेड इन चाइना. अभी चाइना ने 1 महीने पहले जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए, उससे मनी स्टार्टेड गोइंग इन टू चाइना फ्रॉम मार्केट लाइक ताइवान, कोरिया एंड इंडिया, जहां पे मेजोरिटी ऑफ द मनी हैड कम एंड दे हैड मेड गुड मनी. सिंपल इक्वेशन आपको पूछूंगा अनुज जी, अगर आपके पास कोई शेयर्स है जो काफी महंगे हो गए हैं, आप बोलते हैं रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन दूसरा कोई आके आपको बोलता है बॉस ये शेयर खरीद, तो बाद में आप उसमें से हल्का होके उसमें जाओगे. सिमिलरली FIs आर मूविंग अवे फ्रॉम कंट्रीज विच हैड बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग इंडिया एंड आर गोइंग इन टू चाइना. चाइना का स्टिमुलस मेजर्स का फर्स्ट
फेज हो गया, सेकंड फेज भगवान न करे आएगा तो दैट विल बी मोर ट्रबल फॉर इंडिया एंड दैट पॉसिबली मेरा पर्सनल फीलिंग है अगर ट्रंप इलेक्शन हारता है तो आई थिंक चाइना विल बिकम मोर एग्रेसिव विद मोस्ट स्टिमुलस मेजर्स एंड देयर कुड बी सम मोर ट्रबल. थर्ड फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज दिस लूज इन्वेस्टर्स जिसको मैं कहता हूँ जो कोविड के बाद आया है अनसिक्योर्ड क्रेडिट लेकर, उन्होंने आज तक मार्केट का फॉल देखा नहीं. दैट इज माई अनदर कंसर्न कि इफ दोज पीपल स्टार्ट सेलिंग इन टू द मार्केट मे बी देव स्टार्टेड सेलिंग तो न्यू इन्वेस्टर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिट इज अनदर प्रॉब्लम. एंड माई कंसर्न नाउ इज कि अगर जो एस आई पी का फ्लो जो जा रहा है म्यूचुअल फंड में अगर वहां पर रिडेम्पशन भगवान न करे आए या स्लो डाउन भी होए दैट विल बी अनदर बिग ब्लो फॉर द मार्केट्स. मेहरबान जी तो कहीं पर आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर बिल्डिंग. ओके बिल्कुल नहीं मेहरबान जी वो मैं आपके रिस्क फैक्टर समझ गया लेकिन इस समय मार्केट में एक जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक उसकी बात भी कर लेते हैं. एचडीएफसी बैंक क्या फाइनली ये तैयार है एक मार्केट को एक लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए अगर अगले रन में ऑलरेडी इसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया पिछले 10 दिनों में. आई थिंक 4 महीने पहले जब मार्केट में सबको सब कुछ लेना था आई थिंक आप ही के चैनल पर आई थिंक आप ही को मैंने कहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज एट 2024-25 एचडीएफसी बैंक विल बी द रैंक आउट परफॉर्मर रिलेटिवली टू द अदर फ्रंटलाइन स्टॉक्स. मेरा व्यू सेम रहा है. आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी जब ऊपर जाके वापस 1650 के आसपास था आपने मुझे पूछा था कि क्या ये डबल टॉप बना चुका है क्या. मैंने कहा कि आई डोंट नो द टेक्निकल पार्ट डबल टॉप के नहीं बट आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच विल अल्टीमेटली गिव यू मनी बेटर देन व्हाट द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज गिविंग. मार्केट ये पीक पर था, एचडीएफसी बैंक यहाँ पर था और ये 4-5 साल का कंसोलिडेशन स्टॉक अंडर ओन्ड हो गया था, एफआईआई बेच के जा रहे थे. सो आई थिंक व्हेनेवर स्टॉक गेट्स अंडर ओन्ड एंड इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक इट इज द टाइम वेर यू हैव टू रियलाइज कि अभी रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा. तो आई हैव नो डाउट ऑफ द फैक्ट कि अल्टीमेटली द नेक्स्ट 6 months to 9 months एचडीएफसी बैंक अकॉर्डिंग टू मी कुड इवन बी अ 2000 rupees स्टॉक. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. अच्छा मेहरबान आपने रिस्क एलिमेंट्स अपने पहले प्रश्न के उत्तर में गिनाए, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली वहाँ पे. फिर अभी बैंक्स की बात हुई एचडीएफसी बैंक की. ये महीना अक्टूबर का मेहरबान जी पूरे एंटायर एफएमसीजी स्पेस के लिए पूरे करियर का सिंस इंसेप्शन सबसे खराब महीना है पूरे करियर का अब तक. आप व्यू क्या ले रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स पे इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद, चाहे वो आप एचयूएल को देखिए, चाहे आप डाबर को देखिए, मैरिको को देखिए, नेस्ले को देखिए, सिर्फ 20 दिन में खाली हो गए हैं स्टॉक. आपका व्यू एफएमसीजी पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ आपका व्यू का क्योंकि आप एफएमसीजी के रवे आई वुड कॉल यू अ वंडरफुल स्पेशलिस्ट क्योंकि यू कीप ऑन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर. और ये क्वेश्चन आपने मुझे पहले भी पूछा था, मैंने एक ही चीज़ कहा था कि लेने में गाय काय को है. पर अल्टीमेटली ये मार्केट ऐसा हो गया था पिछले 2-3 साल में कि पब्लिक 20-30-40% कमाने को सीख गई थी और एफएमसीजी स्टॉक्स नॉर्मली डोंट गिव दैट टाइप ऑफ रिटर्न्स. लेकिन सितंबर का महीना आई थिंक यू वेंट डेड राइट. आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक्स वेंट अप शार्पली बट कहीं पर उनका नाका आ गया. नाका का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर स्पेंडिंग इज नॉट पिकिंग अप एस्पेशली अर्बन एरियाज में. Does the country need a stimulus? Who am I to say that? But I see a complete slowdown which is happening. ये अलग बात है कि stocks have gone up too sharply. ये अलग बात है कि stocks have come down. But at this present level also, मेरे में what is the meat for me to go and buy into it? The point is that अगर consumer spending slowdown हुआ है, despite a fairly decent monsoon, if the corporates themselves are saying there is a slowdown. तो कहीं पर एक अलार्म बेल जरूर बज जाता है. नाउ द ओनली थिंग विच कैन कम टू योर असिस्टेंस इज द फैक्ट दैट द स्टॉक्स हैव करेक्टेड फ्रॉम देयर पीक्स. सो लीवर कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी देगा, नेस्ले देगा, कॉलगेट देगा, अगेन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स. बट इफ आई एम अ लिटिल बिट एग्रेसिव, अ लिटिल बिट हाई बीटा इन्वेस्टर, आई वुड यूज दिस फॉल विच इज हैपनिंग और जो थोड़ा स्प्रेड और हो सकता है टू गो एंड बाय इन टू सम बीटा स्टॉक्स बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर दैट देयर विल बी ग्रोथ विच विल कम विच विल बी बेटर देन एफएमसीजी in some other spaces. क्या वो ग्रोथ आईटी लीड कर सकता है मेहरबान? क्योंकि यू नो कल आपने देखा होगा निफ्टी आईटी एक तगड़ी लीडरशिप पोजीशन में था. नंबर्स अब थोड़े से बेहतर होने लगे हैं. ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर एक थोड़ा सा फीका रहता है क्योंकि सीजनैलिटी है, लेकिन Q4 को लेकर कंपनियों ने खुद काफी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी है.
मैं अनुज जी को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आई थिंक पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली हैज बीन स्पीकिंग पॉजिटिव ऑन आईटी और जुलाई महीने से आई थिंक आईटी स्टॉक्स हैव डन फेयरली वेल। रही बात आज के तारीख में, आई पर्सनली फील अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम और आई स्टार्टेड कमिंग इन स्पेशलिटी केमिकल्स, इन केमिकल्स, इन फिशरीज एंड समवेयर आई फील पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो विच मेनी पीपल हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग अगेन। अगर आप वैल्यूएशन देखिए कैनरा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, देयर गोइंग मोर और लेस नियर देयर बुक वैल्यू अगेन। सो आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, आई कीप लाइकिंग देम बट आई वुड स्टिल से देयर मोर ऑफ डिफेंसिव बैट्स। रही बात आई टी की, आई थिंक दैट इज गॉन अप अ लिटिल बिट शार्पली इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। सो ये प्राइस में कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आई थिंक विल बी एन ऑब्वियस आंसर, बट आई थिंक वन हैज टू वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी इफ यू वॉन्ट टू मेक गुड मनी एंड बी वेरी सिलेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। ओके, मीनवाइल लॉरस लैब्स के नंबर्स आ रहे हैं। ये स्टॉक का एक पैटर्न है, हमेशा घटिया से घटिया नंबर आते हैं और उसी दिन स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है, पहले गिर जाता है। तो नंबर्स काफ़ी ख़राब है और इनकम गिरी है और एबिटा देखिए 180 करोड़ का एक्सपेक्टेशन थी, 213 करोड़ की, मार्जिन 14.7% एक्सपेक्टेशन था 16.6% का, प्रॉफिट भी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले काफ़ी कम है। बट जैसा मैं कह रहा हूँ, ये स्टॉक नॉर्मली हो सकता है इस बार डिफरेंट हो, वैसे इस बार वाकई में अर्निंग्स के बाद भी गिरे, लेकिन अभी के लिए तो 37 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 20 करोड़ आ रहा है यहाँ पर लोअर लेवल से, ऑलरेडी थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हो गई है वैसे। मैं वही देख रही थी, ये खैर है उस तरीके का स्टॉक थी अनुज भाई। ये स्टॉक थोड़ा अजीब सा है, ये बहुत ही अजीब स्टॉक है वैसे। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखेंगे तो पिछली बार भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज, ये इनफैक्ट हर बार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस करता है। 200 डे मूविंग एवरेज करीब 430 पर है, अभी हम 446 पर हैं, तो देखते हैं ये इस स्टॉक का चार्ट कैसे रहेगा। मेहरबान, फार्मा में कोई पिक्स हैं क्या आपके पास? आई थिंक अनुज में स्माइल दे रहा था, भी आप पूछ रहे थे कि लॉरस लेब्स के बारे में पिछले 15 दिन में 4 लोग, अच्छे लोग बोल चुके हैं कि लॉरस लेब्स पे ध्यान देना, लॉरस लेब्स पे ध्यान देना। हम जानते हैं कि कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम है पिछले 2-3 सालों से, ये प्रॉब्लम बंदे इट एबिट द स्टॉक विल गो अप सर्टनली येस। आई थिंक इन द फार्मा पैक नॉट टू मेनी थिंग्स एक्सेप्ट मे बी समथिंग लाइक एन FDC एंड समथिंग लाइक अ कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, बोथ रिलेटिवली अंडर ओन्ड स्टॉक्स, वेरी फंडामेंटली वेरी साउंड, गुड बैलेंस शीट, ये दो स्टॉक्स को मैं पसंद करूंगा। बाकी के सारे फार्मा स्पेस, अलाउ मी टू स्टेट दिस, के 30-35-40 पी आई डोंट थिंक आई एम एंथ्यूज इनफ टू आइदर बाय इट और रिकमेंड इट। ओके, लॉरस लैब, अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स और, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक होकर थोड़ा बात करते हैं। अभी सेक्टर से बात हुई थी, आईटी पे बात हो गई, बैंक्स पे हो गई, FMCG पे हो गई। एक पॉकेट जो आज थोड़ा सा मेहरबान जी स्टेबल नज़र आ रहा है, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा इंटरडे स्विंग्स है वहाँ पे, सीमेंट स्पेस, स्पेशली आफ्टर मानसून। यहाँ पे कोई स्क्रिप या फिर वो जो हम देख रहे हैं ना कि दो ग्रुप्स जो हैं वो स्मॉल स्मॉल जो आई थिंक पॉकेट्स हैं उनको पिक कर रहे हैं। अब एक इंसिडेंट और हो गया अबुजा सीमेंट्स का, सीमेंट में कोई स्क्रिप जो आप लोगों ने ऐड करी हो? आई थिंक लास्ट पिछले 6 महीने से आई हैव टर्न्ड वेरी नेगेटिव ऑन सीमेंट। और अगर सीमेंट के बारे में पूछे, द ओनली थिंग विच इज कमिंग इन इट्स फेवर इज स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। आप मुझे समझाएं कि ये नंबर्स के बाद अल्ट्राटेक का रिजल्ट क्यों बढ़ना चाहिए? सो ऑल द स्टॉक्स आर गोइंग अप बिकॉज पीपल हु हैड सोल्ड ऑफ एट लोअर लेवल्स आर कमिंग अगेन एंड बाइंग इनटू इट। आउटलुक अकॉर्डिंग टू मी मानसून दैट इज ओवर विल डेफिनेटली पिक अप। सो मैं आई वुड स्टिल प्रिफर इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड स्टॉक्स टू द सीमेंट पैक। सीमेंट पैक ओनली एडवांटेज ओवर द अदर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर कंपनीज अदर कंपनीज इज द वैल्यूएशंस, दे हैव कम डाउन। सो प्रेजेंट लेवल से भले वो अंबुजा हो, ACC हो, इवन दालमिया भारत को देखिए, नंबर्स वर क्वाइट बैड पीपल सेट, बट द स्टॉक हैज नॉट फॉलन मच। सो द पॉइंट, द थिंग गोइंग इन देयर फेवर इज द प्राइजेस जहां पे वो आ चुके हैं। बट फंडामेंटली टू रिकमेंड इट आई डोंट थिंक अगेन आई विल डू इट। मैं कहूंगा कि ये प्रेजेंट लेवल से ज्यादा कटना नहीं है उनको, एंड अल्टीमेटली इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंटिन्यूज इन द सेम वे देन समवेयर ऑन द लाइन सीमेंट स्टॉक्स यू विल फाइंड देम अ लिटिल बिट हायर ओवर द नेक्स्ट 1-3 क्वार्टर्स, वर्स्ट पॉसिबली कुड बी बिहाइंड देम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, और अब पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।
अब आते हैं एक बार फिर से बाजार पे, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 24406 और निफ्टी बैंक अभी भी करीब 51576 पे। अनुज, क्लियरली आज ये विन विन दे रहा है निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए वो ऑप्शन राइटर्स। मैं अनुज 12 बजे के आसपास देख रहा था निफ्टी की 24400 की कॉल पुट का ओआई, 6 करोड़ कॉल पुट बिकी हुई थी, कल के लिए क्या करके जाए? अब फिर थोड़ा सा बोल्ड स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन जो मैंने कल भी कहा था आज भी मैं वही कहूँगा कि अभी इस मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट कैरी करने का समय है। ये मुझे कोई रूटीन 150-200 पॉइंट वाली करेक्शन नहीं दिख रही, ये मुझे अब दिख रही है करेक्शन जो प्रॉपर 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। जो निफ्टी पर यहाँ से करीब 1000 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी पर करीब 2000 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अभी के लिए स्ट्रांग है, तो इसके लिए भले बैंक निफ्टी को ना आप कैरी करें, लेकिन निफ्टी जब तक 24600 के नीचे है तब तक मार्केट का टेक्सचर सेलोन रैली है और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप एक दिन उठेंगे और निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप होगा, वो नहीं होने वाला है क्योंकि उसका कोई रीज़न भी नहीं है, कोई अर्निंग्स उस तरीके की नहीं आ रही हैं। वैसे ही आज कोई ऐसा अर्निंग आना नहीं जिसकी वजह से मार्केट बड़ा रिएक्शन दे, तो मेरे ख्याल से इस समय तर्कसंगत ट्रेड तो यही होगी कि जो मार्केट का टेक्सचर है उसी तरीके की ट्रेड कैरी की जाए। देखिए अब 15 या 16 दिन हो गए जिसमें सेल ऑन रैली पर पैसा बन रहा है, तो वही ट्रेड कैरी करिए और जहाँ पैसा बन रहा है, हाँ कभी किसी ने एक दिन वो मार्केट घूमेगा और डे हाई पर बंद होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो स्ट्रैटेजी यही है कि आप शॉर्ट पोजीशन से इस मार्केट में कैरी करें, शॉर्ट पोजीशन ही ढूंढें। और एक चीज़, इस मार्केट में ढूंढें ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स जहां पर अर्निंग्स रिएक्शन इस तरीके से आ सकते हैं ख़राब नंबर्स पर, जैसे हमने आज बजाज ऑटो में देखा या लीवर में देखा, ऐसे स्टॉक्स जो प्राइस टू परफेक्शन हो, जहां हल्का सा भी अगर डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो उन स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून, दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर, और ये स्टॉक में रिजल्ट्स के पहले पहले आपको थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट अगर हम H&S की बात करें तो यहाँ खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं लोअर लेवल्स पे 1275-1300 तक के टारगेट्स के लिए, तो लोअर लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ गोदरेज कंज्यूमर में आती हुई दिखाई पड़ रही है नंबर्स के पहले पहले। और लुपिन पिछले आधे एक घंटे से स्टॉक में ज़बरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, स्टॉक में 3% की बढ़त। और अगर हम बात करें डीलर्स की तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं 2150 और 2170 के टारगेट के साथ, यहाँ BTST की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लुपिन की तरफ रुझान बढ़ता हुआ आपको BTST में दिखाई दिया, और गोदरेज कंज्यूमर थोड़े से नेगेटिव साइड पर है, गोदरेज के नंबर्स का इंतजार ऑफ कोर्स मार्केट कर रहा है। इस बीच BTST STPT ट्रेड्स ये स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आएंगे। गाबा जी बताइए क्या करना है? जो तो वीक है लेकिन स्टॉक मैंने चुना है वो है PEL, पिरामिड ऑटो, सॉरी PEL ट्रेड करा 1052, स्टॉप होगा 1040, बस ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1080। PEL पिरामिड एंटरप्राइज लिमिटेड। ओके, पिरामिड एंटरप्राइजेस हो गई गाबा सर की पिक इस समय की। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनुजी, मैं सेल में ही जाऊंगी, सेल NMDC मुझे लगता है 220 के नीचे आ गया है, तो इसमें और वीकनेस है फॉर टारगेट्स ऑफ 205 से 200 तक, तो यहाँ पे 220 के स्टॉप लॉस से आप सेल कीजिए NMDC के फ्यूचर्स। ओके, NMDC फ्यूचर्स सेल करने हैं। मानस आपका ट्रेड? वीरेन जी, ओरेकल फाइनेंशियल पे बिकवाली करने की राय रहेगी, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन रीच हुआ है तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो ओरेकल फाइनेंशियल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए, 11,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में और 10,100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए OFSS पर एक ट्रेड। रुचित आप क्या ट्रेड लेंगे? अच्छा जी, बाय साइड का काउंटर ट्रेड रहेगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में। सो रिसेंट करेक्शन में काफी एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखा, और पिछले जो 8-10 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज मूव था उसके हायर एंड के ऊपर, यानी ब्रेकआउट के वर्ज पे ये स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है। RSI ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स यहाँ पे दिया है, तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ करंट लेवल्स पे 745 के नीचे स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाए 790 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ICICI अप्रूव ये हो गई पिक इस समय। अमित जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी कल के लिए? जी अनिल जी, पॉलीकैप में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, पॉलीकैप में शॉर्ट की सलाह है, लगभग 6520 रुपए का प्राइस है, 6600 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6450 एंड 6400 के पॉलीकैप में। ओके, पॉलीकैप के साथ यहां पे कॉल्स जो आज थी कल के लिए वो क्रम पूरा हो चुका है।
आइए जरा एक बार आपको दिखाते हैं कि आज ब्रेथ कैसी रही, और आज ब्रेथ एक बार फिर से FMCG ने काफ़ी ख़राब करी और HUL के लॉसेस ने काफ़ी डैमेज किया है। HUL, डॉक्टर लाल पैदल, स्कॉट्स, ओरेकल फाइनेंशियल, SBI Life, सभी अगर आप देखें आज काफ़ी पनिश हुए हैं। आपके स्क्रीन पे ब्रेथ है, 47 एडवांसेस यानी लॉन्ग्स, 42 शॉर्ट कवरिंग, फिर भी ठीक लग रही है, इतनी ख़राब नहीं है, और 57 शॉर्ट और 35 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आते हैं उस स्लाइड पे जो कि पहले आएगी लॉन्ग वाले स्टॉक्स। आज सरप्राइज पैकेज रहा सिंजन, करीब 5.5% ऊपर। REC PFC में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ ICICI Pru और कोरोमंडल में, आज बाय थी और 5.5% के स्विंग मिले यहाँ पे। नवीन फ्लोरिन आज एक शॉर्ट कवरिंग का केस था, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद ल्यूपिन, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया यहाँ पे। डालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट आज सुबह ही स्पॉट भी हुआ था, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक। तो डॉक्टर लाल पैथल क्रैश जिसे कहते हैं, एक तरीके से 6% नीचे। HUL सेम केस, पोस्ट अर्निंग्स, स्कॉट्स कुबोटा डील बाजार को पसंद नहीं आई, मीन्स आपने हल्के दाम पे हैंड ओवर कर दिया अपना रेलवे कारोबार। और लॉन्ग एंड वाइंडिंग बिरला सॉफ्ट में नंबर्स ही ऐसे थे। डाबर फर्दर क्रैक हुआ, मतलब एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेक डाउन कंटिन्यूशन। कैनफिन होम्स, महानगर गैस, बजाज ऑटो, एक बार DLF, ये डाबर फिर स्क्रीन पे लिखा आइएगा। ये शिल्पा जी, ये आपका डाबर एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। आई थिंक मैं कल भी स्टार्ट को देख रहा था, ये इसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, क्योंकि पहले तो हम जिस फ्लैग को कोट कर रहे थे वो कमेंस हुआ था मिड ऑफ सेप्टेम्बर से, बट ग्रेजुअली अब क्या हो रहा है कि अब वो बड़े टाइम फ्रेम का फ्लैग, उसका भी बेस हम अब टेस्ट ही कर रहे हैं क्या, 525, 510, उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है क्या डाबर में? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, 530 तो इसका इमीडिएट टारगेट है ही, 530 के नीचे फिसलते इसमें आप 520 से लेके 515 तक के भी लेवल्स आएंगे, लेकिन डेफिनेटली वीकनेस है, बट ये मुझे लगता है 520 530 के जोन्स में एक बार आपको स्टेबल होते दिखेगा, लेकिन स्टिल 4-5% का एक पेन और है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, बैन का मामला देख लेते हैं, और एक स्टॉक जो बैन में आज ऐड होने जा ही रहा है जहाँ पोजिशनिंग अब 115% के करीब पहुंच गई है, वो है एस्कॉट्स। और एस्कॉट्स में आज इस तरीके की शॉर्टिंग हुई है, देख के लग भी रहा था। LTF 95% और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 95%, दो स्टॉक्स बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, बॉर्डरलाइन केस हैं दोनों। वैसे बिरला सॉफ्ट और GNFC 79% बिरला सॉफ्ट और 81% के करीब GNFC, तो ये दो स्टॉक शायद बैन से बाहर आएँ। एक बार बिरला सॉफ्ट का चार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज इसने अर्निंग्स पर रिएक्ट किया, अर्निंग्स आज इसकी काफ़ी ख़राब थी, स्टॉक करीब 5-5.5% नीचे बंद हुआ ये स्टॉक। माइनस एक बार इसका चार्ट देखिए बिरला सॉफ्ट का, बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है ये, कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? देखिए ट्रेड एक्चुअली देखेंगे तो वीक साइड पे नेगेटिव ट्रेड बनता है, सेल का ट्रेड बनता है, क्योंकि स्टॉक लगातार 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है और वहां पर सस्टेन नहीं हो पाता है, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। 596 ये कैश लेवल से 596 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है, और अब अगर ये 560 रुपए के नीचे फिसला तो कम से कम 525 रुपए तक के टारगेट आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखिए आज इसको शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक से अगर बाहर आएगा भी तो भी आज आएगा, तो कल भले ही कर लें आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन खैर ये एक ट्रेड बिरला सॉफ्ट पर या एक ओपिनियन बिरला सॉफ्ट पर। जाते जाते थोड़े बहुत और काउंटर्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन लौटा है, डे लो से ट्रेंड की चाल थोड़ी सी सुधरी है, इनफैक्ट बाकी सभी FMCG कंपनियों में दबाव था, उसके बाद कंजम्पशन थीम में भी कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, ट्रेंड आपके सामने है, एकदम फ्लैट क्लोज दिखाएगा ट्रेंड पर, कोई ऐसा खास लेवल जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटेगा? शिल्पा जी 7500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब इस क्लोज को कैसे रेट करेंगे और खरीदारी का लेवल कब आएगा? हर्षरा जी अगर आप ऑप्शन चेंज समझेंगे तो मुझे लगता है इसमें और भी थोड़ा गिरावट आ सकता है, जहाँ पे 7000 के भी लेवल्स आएंगे तो थोड़ा वेट करना चाहिए, मे बी 7000 के जोन्स के तरफ हम लोग एक बार बाय कर सकते हैं। ओके ट्रेंड आपके स्क्रीन पे 7507 लोअर ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक आया, और जो एक अच्छे क्लोज की तरफ कुछ काउंटर्स बढ़ रहे हैं उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। एक बार श्री सीमेंट रखिएगा स्क्रीन पे 1.5% ऊपर, ये भी लोअर ट्रैजेक्टरी से पुलबैक लेता हुआ। आज BHEL में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से एक छोटा सा पुलबैक था, और सुबह सुबह एक शॉर्ट कॉल स्क्रीन पे गई थी, मुझे मालूम है 482 के पास, मेरे ख्याल से सचिन ने, पता नहीं किसने कॉल दी थी,
वो थी आईटीसी पर। शुरुआत में शायद थोड़ा सा इतना कन्विक्शन नहीं आया था, बट आईटीसी भी अब जाके अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ जाके सेटल हो गया 471। जरा प्लीज़ एक बार बोले क्या ये इसका ओआई एडिशंस अक्टूबर का, क्योंकि इसमें पहले 480-490 की पुट काफ़ी बिकी हुई थी जब 500 क्रैक हुआ था, बट फाइनली ये भी ब्रीच हो गया। बहुत संक्षेप में अमित, आईटीसी पे आपका टेक, टारगेट क्या बन रहा है क्या 460 का आईटीसी? जी विनय जी, 200 एमआ इसका 460 के आसपास आता है, जिस हिसाब से डेज लो पे बना और जो कैंडल का जो डेप्थ है, इट इज हेडिंग फॉर 460। अगर किसी का शॉर्ट है या फ्रेश भी बनाना है तो 475-76 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 460 रुपीज। नंबर्स का इंतजार यहाँ पर भी है, गोदरेज कंज्यूमर नंबर्स का इंतजार भी है, स्पेशली ये एचयूएल का हाल देखकर तो नर्वसनेस और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक में हम बात कर रहे थे एचडीएफसी की, वहाँ से सपोर्ट मिला है 1750 के आसपास, लेकिन एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो थोड़ी सी चाल सुधरी है इस पर मानस, अगर एक राय आप दे सके, 795 पर आज का क्लोज आ रहा है, क्या ऐसे संकेत बन रहे हैं कि शायद इस निफ्टी बैंक में एसबीआई का अच्छा खासा सपोर्ट भी आगे बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब तक वो एचडीएफसी बैंक क्लियरली काफ़ी ज़्यादा मार्केट को मूव करने में कामयाब रहा है या फिर सपोर्ट करने में कामयाब रहा है अगर आप इस इंडेक्स की बात करें? तो देखिए, एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 770 जहां पर 200 मूविंग एवरेज है वहां पर सपोर्ट है, तो जब उसके नीचे फिसलेगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, शॉर्ट क्रिएट करना है। खरीदारी केवल 820 रुपए के ऊपर करेंगे क्योंकि वहीं पर रेजिस्टेंस है, तो अगर उसके ऊपर निकलेगा तो खरीदारी करनी, उससे पहले ये एक नो ट्रेडिंग जोन में है, तो आई थिंक यहाँ पर अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पर अवॉइड करना बेटर रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट की क्लोज ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन दिक्कत वही कि आज भी हाई क्या था आपका 24480 का, और अब बंद हो रहे हैं 24400 पर, तो एक बार फिर से हाई से करीब करीब 80 पॉइंट नीचे। हालांकि पिछले कुछ दिनों की एवरेज 200 पॉइंट की पिटाई की रही है हाईएस्ट पॉइंट से बंद होने पर, इस बार 80 पॉइंट तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लोज उतनी ख़राब नहीं रही जितने पिछले कुछ दिनों से थी। और आज बैंक निफ्टी एटलीस्ट ग्रीन में और कम्फर्टेबली, डे हाई पर तो नहीं लेकिन डे हाई के काफ़ी करीब बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, ये एक मार्केट के लिए एटलीस्ट अच्छा सिग्नल है। हाई वैसे 51781 का था लेकिन लो 51200 का था, तो वहाँ से करीब 300 पॉइंट ऊपर। चलिए वॉल पे चलते हैं और समझते हैं इस मार्केट क्लोज को। करीब करीब 30 पॉइंट नीचे निफ्टी पर, 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पर, निफ्टी आईटी नीचे था, मिड कैप इंडेक्स 1/3% नीचे था और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1/5% नीचे था। अब आएगी आपके सामने सेक्टोरल ब्रेथ और एक इंडेक्स स्टैंड आउट करेगा एक इंडेक्स, और वो है FMCG इंडेक्स। कहाँ छुपा, ये रहा 3% नीचे FMCG इंडेक्स। और हर्षिता, ये वीरू मुझे हेल्पफुली बता रहे हैं कि इसके करियर का वर्स्ट मंथली परफॉर्मेंस के लिए ये इंडेक्स तैयार है इस समय, 3% नीचे। उसके अलावा रियल्टी इंडेक्स करीब करीब 1% नीचे, PSU बैंकों ने थोड़ा दमखम दिखाया करीब करीब 1% ऊपर, और निफ्टी बैंक 0.6%। उसके अलावा बाकी सब ऑलमोस्ट फ्लैट थे, निफ्टी ऑटो करीब करीब 0.5% नीचे। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए अब जरा एक बार, और लीवर 6% नीचे, मतलब याद नहीं लास्ट टाइम कब इस तरीके की पिटाई हमने लीवर में देखी थी। ऑलरेडी एक ऐसा स्टॉक जो 200 डे मूविंग एवरेज पर था वहाँ पर, और खैर दिन के लो से तो फिर भी 2% रिकवरी हो गई। SBI लाइफ 4.5% नीचे, अर्निंग्स के रिएक्शंस वायलेंट है इस बार मार्केट में। हिंडालको में रिकवरी आई कुछ, सुबह तो 6-7% नीचे था 4.5%। नेस्ले, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, ITC, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो नीचे थे। ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट में आज शानदार मूव्स थे एक्चुअली, श्रीराम फाइनेंस नंबर से पहले मजबूत था, टाइटन, M&M और मार्केट को सपोर्ट किया HDFC बैंक ने। कुल मिलाकर मार्केट के लिए ठीक ठाक क्लोजिंग कहेंगे, एक ओके क्लोज 24414 के लेवल्स पर निफ्टी जाकर टिका है। निफ्टी बैंक 335 ये इनफैक्ट आज की सेविंग ग्रेस थी, क्योंकि FMCG इंडेक्स ने तो ठान ही लिया था मार्केट को आज फिर से तोड़ते हुए दिखाई देंगे, तो निफ्टी बैंक ने मामला संभाला। कुल मिलाकर अब देखते हैं आज ITC और गोदरेज कंज्यूमर FMCG को संभालने का काम करता है या फिर और डीरेल होगा ये इंडेक्स। ये एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पर आकर खड़ा है जिस तरह के क्रैक्स देखने को मिले हैं। चलिए इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी रहेगा, तो आप बने रहिएगा और हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 6:57 पर मॉर्निंग कॉल के साथ। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट का अपडेट, कई सारे अर्निंग्स का रिव्यू और मार्केट का कॉल भी आगे।